everyone. How are you all? Hi, Jasbir. Hi, Suresh. Hello, Payal. कैसे हो? I am good. Doing super good. All right, so have you done your homework as promised? Homework kiya humne? Have you done our homework? All right, Mansi. Swati, I'm very good. All right, can we share the video, please? Can we share the video with our friends? That's great. I'll check your homework. Video of speech, Swati. Okay, I'll have a look at it. You have shared? I'll check. How many of you have shared your homework? All right, Sunny, I'll have a look at it. Main dekhungi usse. Good morning. Yes, I've seen your PPT. Shared your homework, Suresh. I'll have a look at it. That is very good. Are you excited to watch a video? Yes, are we excited? मैं चेक करूंगी आपकी होमवर्क. Are
Are we excited? हिंदी में वीडियो देखेंगे इंग्लिश में? ओके, तो बहुत ही अच्छी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। फैमिली 1 लाख क्रॉस कर गई है। दोस्तों, मेरी सच्चे दिल से कोशिश है कि मैं जो भी सीखूं वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। उम्मीद है मेरी इस कोशिश से आप सब लोगों को फायदा होगा। बस इसी तरह समडप का साथ देते रहिए। तो अब आते हैं काम की बात पे। आज की वीडियो में बात होगी ऐसे टॉपिक पे जिससे सबकी फटती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की। मैं बुक्स बहुत ही सुकून से पढ़ता हूँ और फिर उनकी बातों पे डीपली सोच के मजे लेता हूँ। लेकिन यार, ये बुक पढ़ते हुए अजीब ही घबराहट हो रही थी पेट में, क्योंकि वैसे तो आपका भाई बहुत ही सख्त है, लेकिन स्टेज पे जाने का सुन के बचपन से ही पैक हो जाती है। फिर भले कितनी ही तैयारी कर लो, अजीब सी नर्वसनेस होती है। स्टेज पे खड़े होकर बंदा कुछ सोच ही नहीं पाता, इसलिए पूरी स्कूल लाइफ मैं स्टेज पे जाने से भागता था। लेकिन फिर कॉलेज में आकर मैंने खुद को थोड़ा पुश किया। पहले अपनी क्लास में सामने जाकर प्रेजेंट करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे भी पार्टिसिपेट किया और फाइनली इवन स्टेट के सबसे बड़े डिक्लेमेशन में भी पार्टिसिपेट किया और जीत गया। वैसे जीतने वाला मजाक था। बुक्स पढ़ के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का ये मतलब नहीं कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। मैं भी आपकी तरह इन बुक्स से सीख रहा हूँ। आज भी मेरी पब्लिक स्पीकिंग परफेक्ट नहीं, लेकिन बहुत इम्प्रूव हुई है। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये टैलेंट कुदरत ने सिर्फ कुछ खास लोगों को नहीं दिया, ये भी एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। वो लोग जो स्टेज पे बोलने में अच्छे हैं, वो दरअसल बचपन से सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी खुद को पुश करो और प्रैक्टिस करो तो आप भी उन्हीं की तरह बोल सकते हो। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग सीखने से पहले ये कुछ चीजें अपने दिमाग में बिठा लें। पहले तो अपने अंदर एक ख्वाहिश और डिजायर रखें पब्लिक स्पीकिंग सीखने का। खुद को ये बताओ कि आपको फाइनेंशियली या लोगों के बीच क्या फायदा होगा इससे, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बहुत जरूरी है। दूसरा, आप जो भी बोलने वाले हो उसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर तैयारी के कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। तीसरा, थोड़ा कॉन्फिडेंट एक्ट करो। हम जैसा अंदर से फील करते हैं वैसा एक्ट करते हैं, उसी तरह हम जैसा एक्ट करते हैं वैसा फील भी करने लगते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करो और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। और फाइनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना हो सकता है अपने टॉक की प्रिपरेशन करो, स्लोली आपका माइंड आपकी नर्वसनेस और डर पे काबू पा लेगा। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। जब किसी बोलने वाले के दिल में सच्चा मैसेज होता है तो सुनने वालों को वो फील हो ही जाता है और उनका इंटरेस्ट उस स्पीकर में बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर स्पीच अच्छी तैयार की जाए तो डिलीवर करने का 90% काम खुद ही हो जाता है। हर कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसमें जो तैयारी लगती है वो करने के लिए कोई तैयारी नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अगर आपको दूसरों के आगे कॉन्फिडेंटली बोलना है तो क्यों ना अपनी तैयारी सही से की जाए। किसी भी स्पीच की तैयारी करना सिर्फ अच्छे सेंटेंसेस जमा करना और पोएट्री याद करने से नहीं होती। असली तैयारी कहते हैं अपने अंदर को खोदकर सारे आइडियाज जमा करना और फिर उन्हें एक नतीजे तक लेकर जाना। कभी भी बैठ के जल्दी जल्दी स्पीच बनाने की ट्राई ना करें। स्पीच कोई फास्ट फूड थोड़ी है कि जल्दी से पक जाए। स्पीच एक गुलाब की तरह होती है जिसे पानी दे के ग्रो करना पड़ता है। इसलिए अपना टॉपिक जल्दी सेलेक्ट करें, कम से कम खुद को 1 वीक का प्रिपरेशन टाइम दें। जब भी टाइम मिले अपने टॉपिक के बारे में सोचें, उसे लोगों के साथ डिस्कस करें। हमारी पूरी लाइफ भरी पड़ी है फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के साथ। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके माइंड में स्टोर्ड हैं, उन्हें बाहर निकालें। यही अब्राहम लिंकन का मेथड था और यही सब कामयाब स्पीकर्स का मेथड है। फिर जब आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पूरी हो जाए तो उस टॉपिक पे बुक्स पढ़ें और इंटरनेट पे सर्च करें। शुरू में जितना भी मटेरियल हो सकता है उसे कलेक्ट करें, पहले से ही एडिट के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, लूथर बर्बैंक अक्सर 1 मिलियन किस्म के प्लांट्स पैदा करते थे सिर्फ 1 या 2 अच्छे किस्म ढूंढने के लिए। आप भी उनकी तरह 100 से ज्यादा आइडियाज जमा करें और फिर आखिर में भले 90 निकाल दें। ऐसा करने से आपका मटेरियल भी इम्प्रूव होगा और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नंबर 2, इम्प्रूव योर मेमोरी। अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन लिखने के बाद अब उसे अच्छे से याद करना है ताकि आप स्टेज पे जाकर कुछ भूल ना जाए। प्रोफेसर सीशोर ने ये पता किया कि आम आदमी अपनी मेमोरी का सिर्फ 10% यूज करते हैं,
यानी लोग अपनी 90% मेमोरी का कभी यूज ही नहीं कर पाते क्योंकि वो याद करने के 3 नेचुरल लॉज को यूज ही नहीं करते। मेमोरी का पहला लॉ है इम्प्रेशन। आपको जो भी याद करना हो उसका गहरा और क्लियर इम्प्रेशन लीजिए। अच्छे इम्प्रेशन के लिए हमें एक टाइम पे बस एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके आप एक दिन में इतना काम कर सकते हो जो सालों के ख्वाब देखने से नहीं हो सकता। फिर उसे सही से ऑब्जर्व करें, हर चीज को नोट करें। हमें ज्यादातर चीजें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हम उन्हें सही से ऑब्जर्व नहीं करते। आप जितने ज्यादा वेज से इम्प्रेशन ले सकते हो उतना अच्छा है। अब्राहम लिंकन हर चीज को लाउड रीड करते थे ताकि उन्हें 2 इम्प्रेशन मिले, एक देखकर और दूसरा सुनकर। लिंकन की मेमोरी बहुत ही अच्छी थी। वो अक्सर कहते थे, मेरी मेमोरी स्टील की तरह है जिसपे लिखना तो मुश्किल है लेकिन अगर एक बार लिख दिया जाए तो वो मिटता नहीं। और फाइनली ये याद रखिए कि हमारी आंखों से लिए गए इम्प्रेशन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि हमारी आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली नर्व्स 25 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हैं कानों के मुकाबले में। मेमोरी का सेकंड लॉ है रिपीटेशन। दुनिया में काफी लोग इतनी बड़ी बड़ी रिलीजियस बुक्स सिर्फ बार बार रिपीट करके याद करते हैं, लेकिन दोस्तों रिपीटेशन भी इफेक्टिवली करनी चाहिए। सिर्फ एक बार में बैठ के याद करने की ट्राई ना करें बल्कि इंटरवल्स में रिपीट कीजिए। इसी तरह आप आधे से भी कम टाइम में याद कर लेंगे। रिचर्ड बर्टन जो अरेबियन नाइट्स के ट्रांसलेटर हैं, वो 27 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। उन्होंने एक बार ये कन्फेस किया कि उन्होंने कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए कभी भी एक बार में 15 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। इस तरह उनका दिमाग फ्रेश रहता था और वो ज्यादा सीखते थे। थर्ड लॉ ऑफ मेमोरी है एसोसिएशन। आप किसी चीज को याद करने के लिए उसे दूसरी चीजों से जोड़ लें। आप जो भी अपने माइंड में डालना चाहते हैं उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा के डालें। अगर आपको कोई फैक्ट याद करना है तो उस फैक्ट को अपने माइंड में किसी और चीज से रिलेट कर लें। फॉर एग्जांपल, नए लोगों के नाम याद करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछें, जैसे वो क्या करते हैं। अगर कोई अपना नाम समीर बताता है और वो दूध बेचता है तो आप समीर को दूध वाले से मिला के याद कर सकते हैं। इस तरह आप जब भी उसका नाम याद करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही आप दूध वाले का सोचेंगे आपको समीर याद आ जाएगा। उसी तरह डेट्स याद करने के लिए उन्हें पहले से याद की हुई डेट से रिलेट कर लें। सब कुछ अच्छे से याद करने के बाद भी अगर आप फिर भी स्टेज पे कुछ भूल जाएं और आपको थोड़ा टाइम चाहिए अगला सेंटेंस याद करने के लिए, तो मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ। जैसे ही आप कुछ भूलें अपनी ऑडियंस से कोई सवाल पूछें, जैसे पीछे वाले लोगों से ही पूछ लें क्या उन्हें आवाज सही से आ रही है। इस तरह जब तक वो जवाब देंगे आप अगला सेंटेंस याद कर सकते हैं। नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी। दो भाई साथ ट्रेवल करने गए। वापस आकर दोनों ने एक टॉक प्रिपेयर किया अपने उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उन्होंने लंदन में एक हॉल बुक किया जहां सुबह एक भाई बोलता था और शाम में वही सेम टॉक दूसरा भाई देता था, लेकिन उनमें से एक टॉक को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे और दूसरा लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा था। दोनों के टॉक सेम टू सेम लिखे हुए थे, हर वर्ड सेम टू सेम था, लेकिन फिर भी इतना अलग रिस्पॉन्स कैसे, क्योंकि दोनों के अल्फाज तो सेम थे लेकिन कहने का तरीका डिफरेंट था। एक भाई लोगों से कनेक्ट कर रहा था वहीं दूसरा उन्हें बोर कर रहा था। दोस्तों हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है हम उसे कैसे कहते हैं, क्योंकि वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल उन वर्ड्स को बोलने का फ्लेवर होता है। काफी लोग बस लोगों के सामने आकर ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं। वो अपने सुनने वालों को इग्नोर करते हैं। कभी लोगों के ऊपर देख रहे होते हैं तो कभी फ्लोर में देख के बात कर रहे होते हैं। दोस्तों बात को ऐसे डिलीवर करना पूरी बात का मतलब ही मार देता है। इस तरह स्पीकर का ऑडियंस से कोई कनेक्ट ही नहीं होता और कम्युनिकेशन किसी काम की नहीं होती। आजकल ऑडियंस चाहती है कि स्पीकर उनसे उतना डायरेक्टली बात करे जैसे वो उनसे अकेले में करेगा, उसी सेम तरीके से लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ, ताकि उसे सब सुन पाए। एक अच्छा टॉक कन्वर्सेशन की टोन में होना चाहिए। जब आप ऑडियंस से बात करें तो आपको ऐसे बात करनी चाहिए जैसे किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं। कभी भी दूसरों को कॉपी करने की ट्राई ना करें। हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, इसलिए अपने टॉक में अपना फ्लेवर और अपनी पर्सनैलिटी लेकर आएं। अब नेचुरली बात करने का कहना तो आसान है लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। अपनी नेचुरल टोन को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। बस नॉर्मल वे में बात करने की ट्राई करते रहें और ओवर टाइम आपकी नेचुरल टोन उभर कर आएगी। लेकिन शुरू शुरू में आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। ऑडियंस में से किसी भी डल बंदे को देखते हुए बात करें। ऐसा इमेजिन करें कि उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आप उसका जवाब दे रहे हो। इस तरह आपका बोलने का अंदाज ज्यादा डायरेक्ट और नेचुरल रहेगा। फाइनली बात करते हुए 4 चीजों का ख्याल जरूर रखें। पहली, अपने सेंटेंसेस में उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे एम्फेसाइज करें, उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे ऑडियंस की अटेंशन लेकर आएं। दूसरा, हर बात के हिसाब से अपनी आवाज की पिच को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। अगर आप अपनी आवाज को चेंज करते रहेंगे तो लोगों का ध्यान आप पे ही रहेगा। तीसरा, जहां कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो वहां तेजी से बोलें और जब कोई इम्पोर्टेंट बात आए तो उस पे ज्यादा टाइम लगाएं ताकि वो हाईलाइट बन जाए। नंबर 4, इम्पोर्टेंट आइडिया से पहले या उसके बाद में।
हल्के पॉजेस दें ताकि वो स्टैंड आउट करें। बोलते हुए अपने चेहरे पर स्माइल रखें, साथ ही अच्छे से ड्रेस होकर जाएं ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करें, और दिल खोलकर बिंदास बोलें, आपकी बात लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो अब आइए इस वीडियो को जल्दी से सम अप करते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन। अपनी स्पीच को जल्दी से बनाने की ट्राई ना करें, उस आइडिया के साथ टाइम स्पेंड करें, उसे ग्रो होने दें और अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उसका मटेरियल बनाएं। नंबर 2, इम्प्रूव योर मेमोरी। अच्छे से याद करने के लिए मेमोरी के 3 लॉज जरूर यूज करें। अपने मटेरियल का अच्छे से इंप्रेशन लें, उसे लाउड रीड करें ताकि आप उसे देख भी पाएं और सुन भी पाएं। अपनी स्पीच को इंटरवल्स में रिपीट करें और चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए उन्हें एसोसिएट करें। नंबर 3, गुड डिलीवरी। वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें कहने का अंदाज, इसलिए अपनी नेचुरल टोन में बात करें, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करें। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको डेल कार्नेगी की फेमस बुक हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग से बताई हैं। इस बुक में और भी बहुत काम की बातें हैं, इसलिए आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके और कमेंट करके बताएं, मैं आपके सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ। हमारे 100 बुक्स का ये students did you enjoy watching did you all enjoy watching it yes Anyone share what did you understand from the video? Poonam, I have not seen your video, but मैं देख के आपको जरूर बताऊंगी कि कैसी थी, okay? I will definitely tell you. Don't worry about it. So don't worry, I will definitely tell you. ठीक है? How was the video, guys? Was the video good? Can you share some of your learnings from the videos? क्या क्या सीखा हमने वीडियो में से? कुछ learnings share हो पाएंगी? Can you share your learnings with me? Okay. Please share some of your learnings with me if you have seen the video. Thank you, Sushmita. How to do public speaking? Yes. So how was it? Was it good, bad? What was it? Can you start our videos now? Poonam, I need to check कि मेरे पास आपकी वीडियो अभी आई है या नहीं आई. तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ and then I'll tell you. Tell you about the singing class. Please share some of your learnings with me if you have seen the video. Poonam, what is your name? आपका क्या नाम है? Poonam, what is your name? Poonam, what is your name?
भावना, यस। एक मिनट मैं देख के बताती हूँ आपको। अभी तो नहीं आई मेरे पास, पर आ जाएगी। भावना, आई विल गेट इट इन सम टाइम। अभी तो नहीं मिली मुझे, बट मिल जाएगी, डोंट वरी। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गेट योर वीडियो। ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट इट। आप सबकी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं। एक्चुअली मुझे आप लोगों का यू हैव रिसीव्ड माय मोर वीडियोस। यस, पहले वाली वीडियोस मैंने देखी हैं, बट अभी नई वाली प्रोनंसिएशन की वीडियो मैंने नहीं देखी। आई हैव नॉट सीन द प्रोनंसिएशन वीडियो, आई हैव सीन द अदर वीडियोस ऑफ भावना। ऑलराइट, ओके। सो नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपने वीडियो में से क्या सीखा, वीडियो में से क्या समझ में आया, वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, टेल मी। शेयर योर लर्निंग्स। शेयर करिए आपने क्या क्या वीडियो में देखा, क्या क्या सीखा। कोई भी जो शेयर करना चाहे। आई हैव सेंड माई प्रोनंसिएशन वीडियोज रिसेंटली। बेटा मुझे सबकी वीडियोज आएंगी, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। अभी आज संडे था इसलिए लेट हो गई होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबने भेजी है, मेरे पास जरूर आएंगी, डोंट वरी। ओके, आई विल डेफिनेटली गेट योर वीडियोस। सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, so don't worry about it, you will definitely get it, okay? I will share the feedback with you, don't worry. अब हम वीडियो से बता सकते हैं, वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या शेयरिंग्स थी वीडियो में। Can we do that? Can we do that? अभी जो हमने वीडियो देखी उससे हमने क्या सीखा, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि हमें कैसे आवाज को ऊपर नीचे करके बोलना चाहिए, राइट? यस। तो मुझे आप लोगों से जानना है कि हमने क्या क्या सीखा। Can you share with me? Yes?
Can we share what we have learned from the video? All right. Since आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी थी तो मुझे लगा कि आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है एंड दैट इज व्हाई आई प्लेड द वीडियो. पर अब आपने मुझे बताना है. ओके, वी शुड टेक सम टाइम टू टेल द मेन थिंग टू हाईलाइट इट. वेरी गुड. वी शुड प्रैक्टिस फॉर मेक अ गुड स्पीकर. वी शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड मेक अ स्माइल एंड पुट अ स्माइल ऑन अवर फेस. वेरी गुड. नो प्रॉब्लम, बट यू कैन शो अस ऑन मोर वीडियोज. ओके, वी शुड स्पीक स्लो व्हेन द लाइंस आर इंपॉर्टेंट एंड व्हेन वी स्पीक. वेरी गुड. If we forget something, then we should question our audience that we get more. Very nice. How to speak in a speech to others. Very good. Very nice. बहुत अच्छा लिख रहे हो. Very nice. और क्या क्या सीखा हमने स्पीच में? बहुत अच्छा. Very, very nice. Can you tell me more points? Some more points? All right, very nice. Yes, what else? We should connect to the topic to others so that it will be easier for us to learn it. Very nice. We should be prepared well so that we can be more confident. Very good. Absolutely good. Aur batao. Very nice. More points, please. Aur bataiye. Tell me more. Very good. How to highlight our words in the sentences? Very good. By the way, how do we highlight our words in the sentences? Can you tell me? Sentences mein words kaise highlight karte hain? Be confident. Very good. We should have experience on our face. We should have expressions on our face. Okay. Very nice. Very nice. Very nice. Please tell me. We should have expression on our face. Very good. A lot of virtual chocolates. बहुत अच्छे से वीडियो समझ आई. और बताइए. Very good. Okay. All right. So I can actually see that there are so many things that you have written, which is really good to see, and I must appreciate the efforts, balance in voice. Okay, very good.
चलो अब हम एक चीज देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू, जैसे अभी आपने बोला ना, अब हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. वेरी नाइस. यस वाओ. There's a very nice video which you will understand, which will help you to understand कि हमें कहाँ पे कौन सा stress करना चाहिए word, कौन से word पे हमें stress करना है और कौन से words पे हमें stress नहीं करना. ठीक है? Can we see the video? Okay. Christ, there's just so much work, my job, my assignment, everything. Are you also stressed? Really, we all are actually struggling with stress. And now we also have stress with words. That's such a bad news, right? But the good news is that I'm here, your tutor, Michelle, to relieve you of all the stress that you have in your life. Actually, not all, but at least with words, I can surely relieve you. So please join me and let's start learning about word stress. Subscribe and press the bell icon to receive notifications. Don't miss any new lessons. Let's look at some words here. Japanese. 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 What sounds more natural to you? I think, to me, Japanese sounds a bit more natural. Of course, I'm speaking it with some extra stress, so it might seem unnatural to you, but we would generally say Japanese. So here, let's divide the word. How do you break the word into different parts? Let's have a look. This will be Japanese. And how about this one, dance? Do you break it? Do you think we can break this word? I don't think we can. I think it's just one sound. Dance, isn't it? So this word here has one syllable. And this word here has three syllables. Why don't you try doing the other three? Pause the video and come back and then watch whether your answers are correct or not. Go ahead, try. Are we trying? Are you done? I hope you are. Let's go. Lonely, lonely, lonely. Two syllables. Education, 3, 4, 5, education, 4 syllables. Let's look at the next one. You know, you can count it on your fingers, or sometimes you can even clap. Joyful, all happy, joyful. How many syllables? 2 claps, 2 syllables. This is so awesome. Now let's get back to the natural part. What sounds more natural to you? Joyful or joyful. We are not saying joyful. It's not F-O-O-L. We are not stressing like this. We are stressing on joy. So in every word, there is one syllable, which is always the strongest syllable and which is the stressed syllable. And to help you with word stress, I have some rules for you. Those rules are going to help you find out the word stress and make it very easy for you to know word stress. Let's see this pair here. Scary. What is this word? Is it a noun or is it an adjective? You got it right. It's an adjective. And what about the lion? Oh, what is that? That's a noun. And how many syllables? 2 syllables each. And where is the stress? Scary, lion. You must have guessed it. For both of them, the stress is on the first syllable. Let's look at another example. Painted, berries. Which one is an adjective? Is berries an adjective?
No, the adjective is painted. Are we understanding? समझ आ रहा है हमें? And berries is also an is a noun. Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? I'm Scott Harris, professional illustrator. So now that you see, all these words have two syllables. And all these words are stressed on the first syllable. Yes, that is the ultimate rule for word stress. That when you have a two-syllable noun or adjective, it is always stressed on the first syllable. Stressed on the first syllable. So now you don't have to think twice when you see a two-syllable noun or adjective to decide where the stress is, isn't it? Awesome. Let's look at these words here. Prepare, observe. What are these? These are verbs. You got it right. These are verbs. And how many syllables? Two syllables each. Again. But which syllable is the stressed syllable? That's the confusion. Is it same as adjectives and nouns, stressed on the first syllable? Or they're stressed on the second syllable? Let's try. Prepare. Prepare. That's more natural, isn't it? So a verb, a two-syllable verb, is always stressed on the second syllable. And same here, observe. We do not say observe, because here the O sound is the softer sound and the sound of serve is a stronger sound. So observe. Stressed on the second syllable. What? Verbs. Two syllable verbs. Stressed on the second syllable. Now we come to a really fun learning and important part. This is going to be fun. Trust me. Keep watching. Let's look at this word. Record and record. Don't they have the same spelling? Then why am I saying them in a different way? Because this one here is a noun. Record. And this one here is a verb. But how do we find out? They have different meanings also. Form, meaning, and pronunciation. All the three things are different. So record means to keep a record of something, like in a file, or to store some data, which is important. And record could be to record a song. That's how you can use it. Let's look at the next pair. Rebel and rebel. Different, right? Spelling is same. Pronunciation is different, meaning is different. My brother is an absolute rebel because he doesn't obey my parents. This is a noun. Rebel. This is a verb. My brother rebels my parents' advice. Always. He doesn't listen to them. Let's look at the next pair. Conduct and conduct. This one here is a noun, and this one here, as you would have guessed it, is a verb. Conduct means the correct behavior or simply behavior. So the students should have a good conduct in the class, and conduct is to conduct a meeting. Content and content. I like the content of this lesson. More than 95% people said that public speaking skill is a learnable skill. And if it is a learnable skill, then we have to learn. But when we say learn, I hope this will be a noun. And I'm really content with my life, which means I'm very satisfied with my life. This will be a verb. Now the question is, why does the pronunciation change?
And the reason is because the word stress is different. Here, the word, let's go up and look at the rule. For every noun, the word is stressed on the first syllable. So here, it's stressed on the first syllable, record. And for every verb, which syllable is stressed? Second syllable. For every two-syllable verb, the second syllable is stressed. For every two-syllable noun, first. For every two-syllable verb, second. And the same rule applies to the other pairs as well. With this, we come to an end of this lesson. I hope you finally understood what word stress is and how much it affects our pronunciation. My tip for you is, whenever you learn a new word, refer to the dictionary, check the word stress, and that will really help your pronunciation, and you'll be able to understand native speakers much better. I'll see you again with another lesson on pronunciation. Till then, you take care and miss me. Bye! All right, so did you understand? All right, everyone, so how was it? Was it good? You learned something? Yes? Okay, can you now share your learnings with me? Can you? Yes. So did you understand how we need to stress the words? How do we need to use the words? How do we need to stress the words? Did you get an idea of it? Yes. How was the video? You enjoyed? Can you now make a video using stress and intonation? Yes, and do catch your virtual chocolates. Chocolates are coming to you, catch. All right, so I hope aapko samajh mein aaya ki stress kaise karte hain, bolte waqt aur kyun karte hain stress. You got the concept? You got the concept? Jasbir, Tejbir, Sushmita. Very nice. I really appreciate that all of you are so interested and you really want to learn. So can I expect some videos today? Will you make a video? Aap videos banaoge stress ko use karte hue? Yes, you'll make the videos. Stress ko istemal karte hue, stress ko use karte hue, we will be making the videos. No, you don't have to make the video on stress and intonation. Aapko stress aur intonation pe video nahi banani. Aapne kisi bhi topic pe video banani hai, kisi bhi bare mein baat karni hai, aur aapne us bare mein baat karte time stress aur intonation ka use karna hai. Yes. बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर ली हमारी लास्ट शॉपिंग मॉल की विजिट के बारे में, ओके? और वी कैन टॉक अबाउट आवर फेवरेट डिश. हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, बट हमें यूज क्या करना है? स्ट्रेस और इंटोनेशन का यूज करना है बात करते टाइम, राइट? जैसे मैम बता रही थी कि आपको स्ट्रेस यूज करना है, इंटोनेशन यूज करना है, आपने वीडियो में देखा था ना, और आपने बहुत पावरफुल सी स्पीच बनानी है क्योंकि कल हमारे समर कैंप का लास्ट दिन है, राइट? और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हमारे साथ समर कैंप में जुड़े हुए हैं वो सबकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस रावल डिजिटल मंच पे अपलोड हो, नंबर वन. एंड नंबर टू, मैं ये चाहती हूँ कि सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छी वीडियोज लेकर आए. यस,
and I want to put all the videos tomorrow. Tomorrow is the final day of our summer camp and we are going to have a party. Okay? We will have a party tomorrow. Are you ready? Are you all ready for the party? I'm sending virtual chocolates. Catch karo me virtual chocolates. Dekho. Hearts are coming to you. Yes. All right. Can we make? Okay. So you have to make a video. And you have to speak a speech और आपने speech को use करते time क्या करना है important बातों पे stress का use करना है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ okay it's time for us to say a bye yes and we'll meet you tomorrow and tomorrow with your videos tomorrow we'll have party tomorrow is the final day of the summer camp okay bye Very good, Jasbir. Very good. Bye.